महात्मा गांधी के 149वीं जयंती के अवसर पर पटना सिटी के हाजीगंज स्थित सर्वोदय इन्फेंट एकेडमी स्कूल के छात्राओं और रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जो स्कूल से प्रारंभ होकर विभिन्न रास्तों से होता हुआ चौक थाना पास पहुंचा। इस स्वच्छता प्रभात फेरी में स्कूल के छात्र छात्रिकाओं संग शिक्षकों ने हाथ में झाड़ू लिए सड़कों को साफ करते नजर आए, साथ ही लोगों को गांधी जी के संदेश की याद दिलाते हुए स्वच्छता पर जागरूक होने का संदेश दिया। गांधी जी आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर से हमारा संकल्प भारत स्वच्छ बनाना है, हम सब मिलकर रहना है, भारत स्वच्छ बनाना है। प्लास्टिक का बैन सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका उपयोग जो है पर्यावरण के लिए दूषित होता है और गाय जो है इसे खा करके बीमार पड़ जाती है, और इसके चलते हम लोग के द्वारा ये जो है अब जो जूट का बैग है या कपड़े का बैग है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक पहल है, ये शुरुआत है, ये समाप्ति नहीं है, इस अभियान को हम लोग लगातार चलाते रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिन, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक संकल्प था कि पूरे भारतवर्ष को इतना साफ सुथरा स्वच्छ बनाना है। उस संकल्प को हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने उसको पूरे जोर से आगे बढ़ाया और आज उसका प्ररूप दिखने लग गया। एक बच्चे बच्चे में संकल्प आ रहा है कि भारत को स्वच्छ बनाना है, बिहार को स्वच्छ बनाना है। उसे जहाँ तक ये आगे चलेगा, जब तक ये चलेगा तब तक हमारे बच्चे देश में और विकसित करते जाएंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। बच्चों के लिए क्या संदेश है मैम? इस चीज से हम बच्चे को ये शिक्षा दे सकते हैं कि अपने देश में जीवन में स्वच्छता अभियान का कितना महत्व है और इसको कब तक आगे ले जाया जा सकता है। बस यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे भारत वर्ष को स्वच्छ रखें और स्वच्छता अभियान ऐसा। वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक न इस्तेमाल करने का अभियान चलाया गया, जिसमें जूट से बने थैले को इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। वहीं लोगों से अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की। स्वस्थ रहने का मतलब है कि जब स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। जितनी स्वच्छता अस्वस्थता होने का मूल कारण हमारे पर्यावरण में स्वच्छता का न होना है। हमारा पर्यावरण जितना स्वच्छ रहेगा उतना हम स्वस्थ होंगे, हमारे बच्चे अच्छे होंगे और हमारे देश के भविष्य जो हैं वो स्वस्थ होंगे। गंदगी फैला रहे हैं, इस पर आप क्या करना चाहते हैं? गंदगी फैला रहे हैं तो ये अवेयरनेस की कमी है। हमारे स्कूल के बच्चों के माध्यम और हमारा स्कूल सर्वोदय इन्फेंट के माध्यम से हम लोगों के बीच में ये अवेयरनेस फैला रहे हैं। स्वच्छता इवन 2 अक्टूबर पे स्वच्छता मिशन का कार्यक्रम चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने ये मिशन चलाया है और हमारे बच्चे इस मिशन को आज कंप्लीट कर रहे हैं। हर दुकान जाकर इवन सड़क पे घूम रहे नागरिकों को यह जूट का झोला देकर अवेयरनेस दे रहे हैं कि हम लोग प्लास्टिक को दूर करें, क्योंकि प्लास्टिक एक तरीके से विनाशकारी है और हमारे भविष्य को बिगाड़ रहा है। हमारा भविष्य खराब होता जा रहा है प्लास्टिक से। तो हमारा यह संकल्प है कि हम आज से नो प्लास्टिक करें और स्वच्छ भारत मिशन को और आगे बढ़ाएं। आज ये अंत नहीं है, आज से शुरुआत है। पटना सिटी से राज की रिपोर्ट।